पेंशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में एमसीडी की गवर्नमेंट है, तो लोगों ने बहुत सारे हमारे एरिए से एमसीडी की पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनको लगभग 6 महीने 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक का उन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, जो कि लोग बहुत परेशान हैं, जिनका एक जरिए ही पेंशन का है, जिसके जरिए वो अपना खाना पीना करते हैं, और वो उनको नहीं नसीब हो रही है, इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ एक विधवा लेडी हैं, ना उनका जो है कोई बेटा है, 2 बेटियों के साथ रहती हैं और खुद अकेली हैं, कोई कमाने का साधन नहीं है, पैसा आने का साधन नहीं है, पेंशन पे टोटली डिपेंड हैं, लेकिन उन्हें 9 महीने हो गए लगभग, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो फिर वो अपना घर खर्चा कैसे निकाल रही हैं? उन्होंने यही है कि कहीं बेटियाँ चली जाती हैं स्कूल में, आसपास में जो है कोई काम आता है छोटा मोटा तो वो कर लेती हैं, यहाँ कोई और ट्यूशन वगैरह करा के बच्चे अपना किसी तरीके से करके जुगाड़ करते हैं, बाकी कोई दूसरा आय का साधन नहीं है। तो उन लोगों ने शिकायत नहीं करी कभी जाके? शिकायत तो मैडम रोज होती है, लेकिन एमसीडी में जब से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों ने कई लोगों की पेंशन करवाई, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, शिकायत करने के बाद भी कहते हैं हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं होता। एमसीडी में बीजेपी की ही है? हाँ। तो अभी आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिली है और आपको परेशानियाँ सबसे ज्यादा देख रहे हो आप एमसीडी बीजेपी की जब से आई है? हम उसमें जब बात करते हैं पेंशन की, तो कहते हैं कि अभी जब एमसीडी के स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है, तो पेंशन की तो पेंशन तो दूर की बात है। हमें ये भी सुनने को मिलता है जब हम जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पेंशन मिले, तो पेंशन में फिर हम लोगों को ये भी कई बार सुनने को मिला है कि अभी तो एमसीडी में कई सारे लोगों को, कई स्टाफ को पैसा ही नहीं मिला, उनकी सैलरी नहीं मिली है, तो पेंशन तो अलग की बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि इस बारे में कि पेंशन को लेकर? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पेंशन की रकम भी बहुत कम है, 1000 रुपये है, इससे लोगों का कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जिनका कुछ सहारा नहीं है उनके लिए कहते नहीं, तिनके के लिए डूबने वाले को तिनका का सहारा है, उसी हिसाब से चलो 1000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो टाइम से मिले तो बहुत खुशी होगी। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि इसको जो है बढ़ाया जाए, इस पेंशन को टाइमली किया जाए कि टाइम पर सबको मिले। अच्छा, आप नोटबंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नोटबंदी में जी हमारे यहाँ से हम तो बहुत परेशान हुए, हमारी जिन भी जरूरतों को हम गए पूरी करने के लिए बैंकों में पूरे दिन लाइन लगाते रहे, लेकिन पैसा आते आते पता लगा बैंक में पैसा ख़त्म हो गया, कभी अभी पता लगा जो है अब बैंक का लंच हो गया है, लंच के बाद पैसा ख़त्म हो गया, लाइन पूरा दिन लगाए हुए हैं, पैसा ख़त्म हो गया, घर वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाके बैंक के लिए लाइन लगाते हैं कि भाई आज पैसा मिल जाए। इस तरीके से हमारे जो ज़रूरी काम होते हैं जिनके हमें कल करना है, वो हार थक के हम वो काम कर ही नहीं पाते, या फिर 10-15 दिन और टल के हुआ है जो भी काम उस बीच में हुआ। तो समस्याएं आपने बहुत देखी हैं अब तक भी, और बीजेपी की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब हल नहीं मिला है किसी भी तरीके से आपको? ये हल का क्या मैडम, अब ये है हम लोग जैसे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की समस्याएं हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है, नोटबंदी में हमें परेशानियां हुई हैं, तो सब परेशानी है, और इसका कहाँ समाधान ढूंढ रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आता है कि किससे जाके रिक्वेस्ट करके हमारी इन समस्याओं का समाधान हो। खैर नोटबंदी तो अब हो गई, ख़त्म हो गया, सब लाइन पे आ गया है, लेकिन पेंशन की जो अभी भी स्थिर समस्या जो बनी हुई है, और मुझे नहीं लगता वो आगे की भी ठीक होगी, तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पे ज़रा ध्यान दे और कोशिश करे कि पेंशन को कुछ पैसा इसका बढ़ाया जाए पेंशन का, और टाइम पे किया जाए कि टाइम पे इन लोगों को पेंशन मिल पाए।